चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मतलब अगर बच्चा पढ़ना भी चाह रहा है तो वो नहीं पढ़ पाता है, तो बस ऐसा लगा कि क्यों ना हम उनके लिए रिसोर्सेज बनाएं। अपने गांव को डेवलप करना है, तो अगर मैं ही बहुत अमीर हो गई तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा गांव डेवलप्ड हो गया। हमें सबको लेके साथ में चलना है। अगर हमें अपना देश डेवलप्ड करना है, पहले हम देश के हैं, उसके बाद हमारा रिलीजन आता है। चलचित्र अभियान में आपका स्वागत है। इस बार बिहार के चुनाव में जो एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कुछ बहुत नए मुद्दे इस बार चुनाव में नज़र आ रहे हैं। चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, रोज़गार का सवाल हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल हो, कहीं ना कहीं जीविका के सवाल फिर से चुनावी मुद्दे बनने लग गए हैं। एक ये नई शुरुआत ज़रूर है, लेकिन उसी में ही, उसी कड़ी में ही, खासकर की शिक्षा के सवालों में बहुत छोटे छोटे इनिशिएटिव, बहुत नए नए इनिशिएटिव आपको अलग अलग जगह नज़र आएंगे। और उसमें से एक आज हमारे साथ सादिया शेख हैं। हम लोग अभी बिहार की जाले विधानसभा के देवरा गाँव में हैं, और देवरा गाँव में हम मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के सामने खड़े हैं। एक छोटी लाइब्रेरी मूवमेंट यहाँ बिहार में शुरू हुई है, देवरा विधानसभा में शुरू हुई है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ जिनका है, वो आज हमारे साथ हैं। सादिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका चलचित्र अभियान में। क्या करते हो सादिया? क्या आप इसी गांव से हो? कहाँ पढ़ रहे हो? हाँ, मैं इसी गांव से हूँ, देवरा बंधौली से, और मैं बॉम्बे में पढ़ती हूँ, बांद्रा में रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। फ़िलहाल मैं TYBA में हूँ, इंग्लिश लिटरेचर एंड सोशोलॉजी में मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। सादिया जी, ये बताइए, ये लाइब्रेरी मूवमेंट का और ये लाइब्रेरी खोलने का गांव में आप कहाँ से ख्याल आया आपका? क्योंकि मैं सबसे पहले तो क्योंकि मैं बॉम्बे में थी और मैं बांद्रा कॉलेज में पढ़ती थी, तो हमारे कॉलेज के बाहर और कुछ दूर में बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ थी, जहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पेन है या कभी कुछ खिलौने का सामान या कुछ ऐसे बेचा करते थे। और जब हम रिक्शे से गुजरते थे तो दीदी ले लो ना, दीदी ले लो ना, और तब ऐसा फील होता था कि मतलब इनके पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन ये आज क्यों इस काम को करने पर मजबूर हैं। हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है, हम प्रिविलेज्ड हैं, हमारे मॉम डैड के पास इतना, हमारा हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये नहीं है, इसीलिए इनके पास रिसोर्सेस नहीं है, इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और कहीं ना कहीं ये एक वजह है। तो उसके बाद जब मैं अभी लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि मैं गांव आ गई थी और मैंने बॉम्बे में भी काफ़ी कोरोना पैंडमिक में रिलीफ वर्क का काम किया था, तो तब धीरे धीरे जब क्योंकि हम ग्राउंड में जाके काम करते थे तो हर घर में जाते थे और जब लोगों को देखते थे तो बहुत सारी चीज़ें पता चली। फिर जब हम लॉकडाउन की वजह से अभी गांव आए तो हमने, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि जो लोग पैसे वाले हैं या जो अमीर हो गए हैं, जिनका बैकग्राउंड मजबूत हो गया है फाइनेंशियली, वो पढ़ने के लिए या तो अच्छे शहरों में चले जाते हैं, बॉम्बे है, दिल्ली है, बेंगलोर है, यहाँ भेज देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन जो अभी मजदूरी कर रहा है, जो खेत में काम करते हैं या जो रोज़ की कमाई पे खा रहे हैं, वो वहीं पे रह जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, रोज़गार नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी ये मजबूरी उनके बच्चों को भी पढ़ने से रोक देती है कि खेत के काम में क्योंकि बहुत मेहनत लगती है तो बच्चे भी उनकी हेल्प कर दें। तो वो भी मतलब अगर बच्चा पढ़ना भी चाह रहा है तो वो नहीं पढ़ पाता है, तो बस ऐसा लगा कि क्यों ना हम उनके लिए रिसोर्सेज बनाएं ताकि उनको कोई बहाना ही ना मिले कि वो छुट्टी ले सके पढ़ाई के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट, चाहे वो क्या बोलते हैं, आंगनवाड़ी हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, ये सब की हालत तो बहुत ख़राब है। मतलब अभी तो लॉकडाउन की वजह से बंद है, वरना ऐसे भी खाली रहता या टीचर नहीं रहती है, बहुत सारी शिकायतें इस तरह की। तो हमने यही सोचा कि क्योंकि कुछ दिन पहले ही हमने जो प्रोग्राम हुआ था जिसमें मशकूर भाई आए हुए थे, उन्होंने हमें एक आइडिया दिया कि किस तरह हम एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं और जो गरीब लोग हैं उनको भी हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं,
कि अगर हम गांव-गांव में लाइब्रेरी खोलते हैं, और उसको खोलने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं है अगर गांव वाले मिलकर ये काम करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर हमें अपने गांव को डेवलप करना है तो अगर मैं ही बहुत अमीर हो गई तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरा गाँव डेवलप्ड हो गया, हमें सबको लेके साथ में चलना है। तो क्योंकि अब हमें ये लाइब्रेरी बनानी थी, तो अगर गांव के हर एक इंसान अपनी तरफ से एक बुक भी देते हैं तो 1000 बुक तो यहाँ पे आसानी से आ ही जाएगी। और इस तरह जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पास किताबें नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, तो वो आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर तो इसीलिए ये सब हमने सोचा और यहाँ पे इसको स्टार्ट किया मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के नाम से, क्योंकि वो हमारे फ़र्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे आज़ादी के बाद, तो इसीलिए हमने वो नाम चॉइस किया। अभी तक कैसा रिस्पांस आया है गांव वालों से और बच्चों से? कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग अपने बच्चों को भेज पा रहे हैं, या अभी भी क्या लाइब्रेरी को लेकर कुछ परहेज़ है? कितनी मुश्किलें हुई थी ये शुरू करने में? स्टार्ट करने से पहले जब बैठक किया था हमने लोगों में, तो हमें जो प्रॉब्लम था वो ये था कि बस फाइनेंशियली इशू था, क्योंकि अब लॉकडाउन की वजह से सबकी हालत ख़राब थी। तो उनका कहना ये था कि वो हेल्प करेंगे, लेकिन जब लॉकडाउन खुल जाए, उनकी कमाई स्टार्ट हो जाए, तब वो कर सकते हैं हेल्प। तो जो सबसे बड़ा इशू था हमारे पास वो फाइनेंशियल इशू था। बाकी क्योंकि दूसरे लोग मतलब हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई आप अच्छा काम करने जाओ तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अगेंस्ट हो जाते हैं, अगर हम उनका सुनकर रुक जाएंगे तो फिर हम रुके ही रह जाते हैं। तो हमने वो सारी बात को इग्नोर किए, और उस वक्त हम जितना कम से कम खर्च में कर सकते थे हमने ये स्टार्ट किया। तो जगह का प्रॉब्लम था, तो हमने जो ख़ानदान वाले हैं बैठ के मशवरा लिया उनसे, वो राज़ी हो गए बहुत ही आसानी से, उन्हें भी लगा कि हाँ ये काम अच्छा हो रहा है, लोगों के लिए हो रहा है, होना चाहिए, तो हो गया बस। सदिया, एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप कह रहे हैं मशकूर भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जो यहाँ पर अब उम्मीदवार हैं इस विधानसभा से, एक चीज़ बताइए, ये मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ी चीज़ है कि भाई जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं वो आज कि कहीं ना कहीं क्या वही उम्मीदवार है क्या? इन्हीं चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं शायद आज शिक्षा और रोज़गार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे मेरे ख्याल से जातिवाद जितने इम्पोर्टेंट बन गए हैं, इस जातीय समीकरण जितने महत्वपूर्ण बन गए हैं इस चुनाव में। सादिया, मुझे एक चीज़ बताओ आखिर में, कि बम्बई में भी और पूरे देश में CNRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए बड़े, और आप बम्बई में बहुत इन्वॉल्व रहे थे CNRC के प्रोग्राम में, आंदोलनों में, मतलब उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए थे, तो आप लोग जो आप खुद इसमें इन्वॉल्व रही थी, क्या आपको लगता है कि ये क्या कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है कम्युनिटी के लिए भी, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी, क्योंकि इतनी सारी मुस्लिम महिलाएं जो बाहर आई थी, क्या आपको लगता है ये एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था जिससे ऐसी बहुत सारी और चिंगारियाँ निकलेंगी मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी जैसी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज़ादी की बात है और उससे पहले भी, क्योंकि जिस तरह से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बन गया था एक मुसलमान कम्युनिटी की वुमेंस के लिए कि दे आर ऑप्रेस्ड एंड उन्हें घर में बहुत, और ख़ास तौर पे उनके हिजाब पे, कि वो क्योंकि हिजाब करती हैं तो क्योंकि वो बहुत ऑप्रेस्ड है, उन्हें ज़बरदस्ती कराया जाता है। तो क्योंकि NRC और CA के प्रोटेस्ट में जैसे कि देखा हमने कि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम वुमेंस की थी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक बात तो लीड भी उन्होंने किया, उन्होंने भी लीड किया। तो हाँ, ये तो साबित कर दिया भाई कि उन्हें घर से कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्रेस्ड नहीं है। और दूसरी बात कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इन्हें खुलकर अपने अंदर की जो कला थी, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग को लेकर हो या पोइट्री हो या इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी ना, वो बाहर आई, वो हमें पता चला, क्योंकि वो मतलब उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, और CNRC के ज़रिए शायद उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था अपने अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालने का। तो ऑफकोर्स ये हमारे लिए एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट था, और जैसा कि मैं खुद, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक था, तो इसके ज़रिए कहीं ना कहीं मुझे भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया और मैं आज इतने सारे काम कर पा रही हूँ ईजीली। तो अब जैसे कि हमारे यहाँ पे उम्मीदवार भी एक मुस्लिम ही है,
वैसे बात क्योंकि अब वो एजुकेशन की बात करते हैं और हम भी एजुकेशन की बात करते हैं अब, लेकिन हमारा ये नहीं मानना है कि क्योंकि वो मुस्लिम है वो एजुकेशन की बात करते हैं इसलिए हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए. ऑफकोर्स कोई भी अगर जनता की भलाई के लिए काम करता है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे ही, बट वो बात जब आती है कास्ट की, रिलीजन की, तो भाई अगर हमें अपना देश डेवलप करना है पहले हम देश के हैं उसके बाद हमारा रिलीजन आता है. तो अगर कोई ऐसी बात करता है तो जाहिर सी बात है हम उनके उनके खिलाफ तो रहेंगे ही. और जो एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है कि ये किसी के बीच में जो है वो इख्तलाफ नहीं करता है. हाँ, ये लोगों को बिल्कुल, अगर अच्छी एजुकेशन मिले तो आपस की गलत फहमियों को दूर कर देता है और लोगों को एक पीस और यूनिटी का वो देता है, मैसेज देता है. हाँ, तो अगर कोई हमारे सामने एजुकेशन को लेकर या हेल्थ को लेकर बात करता है इलेक्शन के ही मुद्दे में भले ही, तो ऑफकोर्स हम उनको सपोर्ट करेंगे क्योंकि अगर आप देश को डेवलप कराने के लिए जो बेसिक चीज़ हमें चाहिए वो एजुकेशन है, वो हेल्थ है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ में इस तरह के इनिशिएटिव्स जहाँ गांव-गांव में पुस्तकालय खोले जा रहे हैं, क्या बिहार चुनाव हिंदुस्तान के लिए, सिर्फ बिहार के लिए नहीं या सारे मुल्क के लिए, एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जैसे मुद्दे जातिवाद से बड़े मुद्दे बने हैं? क्या सादिया जैसी महिलाएं जिनका इतना बड़ा योगदान रहा है इस आंदोलन में, ये कहाँ तक जाएगा? क्या ये एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकता है? जुड़े रहें चलचित्र अभियान के साथ. शुक्रिया.